क्षेत्र है, यहां से तीन धर्मों की उत्पत्ति हुई है, दुनिया के तीन सबसे बड़े धर्म कह सकते हैं आप इन्हें, हिंदुत्व को अगर हम छोड़ दें। असल में ये तीनों ही धर्म अपनी शुरुआत की कहानी को बाइबल के पैगंबर इब्राहिम से जोड़ते हैं। ईसाई धर्म के लोगों का जुड़ाव इस क्षेत्र से इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि ये वही जगह है जहां कलवारी की पहाड़ी पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। उनका मकबरा स्पेलकर नाम के चर्च के अंदर स्थित है और ये उनके पुनरुत्थान का स्थल भी माना जाता है, यानी इसीलिए ईसाई इस जगह को बहुत पवित्र मानते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ईसाइयों के लिए ये जगह बहुत खास है, बहुत पवित्र है। यूक्रेन और रशिया की तरह इस युद्ध की जड़ में संसाधन और जमीन की लड़ाई नहीं, इस युद्ध के जड़ में एक ही कारण है और वो है धर्म। और इसलिए ये जो युद्ध है ये सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि ये एक धर्म युद्ध है। आप स्क्रीन पर इसराइल के ये पांच नक्शे देख रहे हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए पहला नक्शा 1917 का है जब इसराइल देश अस्तित्व में नहीं आया था और इस क्षेत्र पर पूरी तरह से फिलिस्तीन के अरब मुसलमानों का नियंत्रण था। देखिए ये 1917 है। दूसरा नक्शा 1946 का है, यहां भी आप देख सकते हैं ये नक्शा। इस समय भी इस नक्शे का जो 90% इलाका है वो आपको फिलिस्तीन के पास नजर आएगा, फिलिस्तीन के नियंत्रण में। तीसरा नक्शा 1947 का है जब संयुक्त राष्ट्र ने इस क्षेत्र को फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच बांटने का फैसला किया, जिसमें पीले रंग में दिख रहा इलाका फिलिस्तीन को मिला और हरे रंग में इलाका जो आपको दिख रहा है वो इसराइल को दिया गया। ये देखिए 1947 में ये स्थिति थी। चौथा नक्शा वर्ष 1948 और 49 का है जब इसराइल देश अस्तित्व में आया और उसने फिलिस्तीन के कई इलाकों में अपने कब्जे कर लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लाखों से ज्यादा मुसलमानों को विस्थापित होना पड़ा। और पांचवा नक्शा इस समय का है जब हम बात कर रहे हैं जब फिलिस्तीन बहुत ही छोटे से इलाके में सिमट कर रह गया है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसराइल ने फिलिस्तीन के अरब मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया इसलिए हमास ने जो हमले किए हैं वो सही है, लेकिन क्या वाकई में ये जमीन इस्लाम धर्म को मानने वालों की है, मुसलमानों की है? सच ये है कि ये जमीन पहले इसराइल की ही थी। 1000 ईसा पूर्व इस क्षेत्र में किंगडम ऑफ इसराइल का शासन था जहां यहूदी रहते थे, लेकिन बाद में यहूदियों पर हमले हुए तो वो इस क्षेत्र को छोड़कर यहां से यूरोप के दूसरे देशों में चले गए और इस्लाम के उदय के बाद ये इलाका फिलिस्तीन के अरब मुसलमानों के कंट्रोल में चला गया। यानी कायदे से ये क्षेत्र शुरुआत में यहूदियों का था लेकिन फिलिस्तीन के मुसलमानों ने इस पर कब्जा कर लिया और दूसरे विश्व युद्ध में जब हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया तो वो वापस इसराइल लौट गए अपनी जान बचाने के लिए और उन्होंने अपनी जमीन वापस ले ली। इसराइल में भी नियंत्रण की सबसे बड़ी लड़ाई पूर्वी जेरूसलम को लेकर है क्योंकि ये इलाका ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों धर्मों के लिए अहम है। तो सोचिए यहां पर तीन धर्म का ये जो छोटा सा क्षेत्र है, यहां से तीन धर्मों की उत्पत्ति हुई है, दुनिया के तीन सबसे बड़े धर्म कह सकते हैं आप इन्हें, हिंदुत्व को अगर हम छोड़ दें। असल में ये तीनों ही धर्म अपनी शुरुआत की कहानी को बाइबल के पैगंबर इब्राहिम से जोड़ते हैं। ईसाई धर्म के लोगों का जुड़ाव इस क्षेत्र से इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि ये वही जगह है जहां कलवारी की पहाड़ी पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। उनका मकबरा स्पेलकर नाम के चर्च के अंदर स्थित है और ये उनके पुनरुत्थान का स्थल भी माना जाता है, यानी इसीलिए ईसाई इस जगह को बहुत पवित्र मानते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ईसाइयों के लिए ये जगह बहुत खास है, बहुत पवित्र है। मुसलमानों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद यहीं पर है। यह मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी यात्रा के दौरान मक्का से यहां तक का सफर तय किया था और सभी जो प्रॉफिट हैं उनकी आत्माओं के साथ उन्होंने प्रार्थना की। इस मस्जिद से कुछ ही कदम की दूरी पर डोम ऑफ रॉक की आधारशिला है और मुसलमान मानते हैं कि यहीं से पैगंबर मोहम्मद साहब जन्नत की तरफ रवाना हुए और यहूदी यरूशलेम को इसलिए अपना बताते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यही वो स्थान है जहां आधारशिला रखकर पूरी दुनिया का निर्माण किया गया था और यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे आइजक की कुर्बानी दी थी। यहूदियों वाले हिस्से में कोटेल और वेस्टर्न वॉल है, ये दीवार पवित्र मंदिर का अवशेष है। यानी यरूशलेम ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों धर्मों के केंद्र में है और सारे विवाद यहीं से शुरू होते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म यहूदी परिवार में हुआ था
लेकिन जब उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया तो यहूदियों ने ही उन्हें सूली पर लटका दिया था। इसलिए ईसाई धर्म के लोग यहूदियों से नफरत करते थे। तो ये एक पुराना इतिहास है इस जगह का, और जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये जो युद्ध है, अगर आप हमसे पूछें, ये युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है, ये युद्ध अभी और फैलेगा, इसमें और ज़्यादा देश शामिल होंगे, इसका इलाका और ज़्यादा फैलेगा, इसलिए आने वाले दिनों में ये युद्ध पूरी दुनिया को परेशान करने वाला है। अब दुनिया की नज़र यूक्रेन और रशिया के युद्ध से हटकर यहाँ पर आ गई है, और यकीन मानिए यूक्रेन का युद्ध था, उस पर तो उसकी वजह से आपके जीवन पर असर पड़ा ही था, लेकिन इस युद्ध का भी आपके जीवन पर असर पड़ने वाला है। मिडल ईस्ट में तेल होता है और तेल अभी से महंगा शुरू हो गया है, स्टॉक मार्केट क्रैश होना अभी से शुरू हो गया है, और अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके जीवन पर सीधा प्रभाव डालेंगी। तो एक तो वो है जो आपके आम रोज़मर्रा के जीवन पर प्रभाव होगा, और दूसरा ये युद्ध अलग है, ये युद्ध धर्म युद्ध है, इसलिए भी ये पूरी दुनिया को दो हिस्सों में ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बांट देगा। और इसमें ये जो इलाका है, जैसा हमने आपको बताया, एक दो नहीं बल्कि तीन धर्म जो हैं वो इसमें शामिल हैं। 7 अक्टूबर को जब इसराइल पर हमला हुआ, तब इसराइल में यहूदी अपना सबसे बड़ा त्यौहार मना रहे थे, जिसे सिनचैट तोरा कहते हैं, और इस त्यौहार पर लोग आराम फरमाते हैं, कोई काम नहीं करते उस दिन, कहीं पर यात्रा पर नहीं जाते, कहीं बाहर नहीं निकलते। और इसी दिन हमास ने बहुत सोच समझकर उनके आतंकवादियों ने इसराइल पर हमला किया। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे देश में अगर कोई दिवाली के दिन हमला कर दे, हमारे देश में किसी एक बहुत बड़े त्यौहार के दिन जब पूरा देश उस त्यौहार को मनाने में व्यस्त हो, उस दिन अगर इतना बड़ा हमला हो जाए, ये बिल्कुल वैसे ही है।